ये जो पेंटिंग जिसके बारे में कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ, ये पेंटिंग या इसका टाइटल मैंने दिया वॉरियर योद्धा, और इसमें डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जो असम का सीएम ऑनरेबल सीएम है उनका ये तस्वीर मैंने बनाया। और इसका स्पेशलिटी ये जो इस तस्वीर के अंदर बहुत क्लोजली आप अगर देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 3000 ह्यूमन फिगर मैंने इसमें ऐड किया और इसमें बारीकी से उसको ड्राइंग किया। और सबसे अहम बात ये पेंटिंग जो अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है, ये काफी सारी गैलरीज में ऑलरेडी एग्जीबिशन हो चुका है, जैसे एग्जीबिट हो चुका है जैसे गोवा, कोलकाता एंड प्रेस्टीजियस आर्ट गैलरी, मुंबई जहांगीर आर्ट गैलरी में भी इनका प्रदर्शन ऑलरेडी हो गया। और इसमें रिसेंट असम बुक ऑफ रिकॉर्ड और कई सही रिकॉर्ड का भी दर्ज हुआ इसमें। ये पेंटिंग के बारे में डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जो ऑनरेबल सीएम असम का उनका भी पता है। और ये जो पेंटिंग इसका सारे के सारे ऑलमोस्ट अगर आवर का हिसाब से हम लोग काउंट करें काफी सारी टाइम में इसको हमने बनाया, और इससे ऑलमोस्ट 3 months 3 महीने तक इसको दिन रात मेहनत करके इनका उनका जो चेहरे का अंदर बहुत सारी। और सबसे बड़ा बात है जो डे नाइट उन्होंने जो डे नाइट का उस कमिट का टाइम में उन्होंने काम किया था, जैसे वन साइड लाइट थोड़ा ब्लू और वन साइड वन ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग मैंने डे और डे और नाइट का मैंने सिम्बलाइज किया, जिसमें आप टॉप लेवल से आप अगर देखेंगे जो माँ कामाख्या का ऊपर से मतलब एक साइड मून और एक साइड सन, मतलब दिन और रात का फर्क से मतलब दोनों अलग अलग कंपोज करके मैंने जितना सारी उनका लाइफ का बहुत सारी फोटोग्राफ कलेक्ट करके इसको हमने बनाया। और इसमें सिर्फ उनका नहीं है, उनका जो कर्मभूमि है उनका जो कर्मराजी सारे का सारे उन्होंने जो बहुत ही असम के लिए मेहनत करके जो उन्होंने काम किया उनका ही एक मतलब तस्वीर इसमें हमने क्लिक किया। और इसका नाम मैंने दिया जोध जो जो वॉरियर बुक है इसका टाइटल रखा। और इसका साइज 3 feet by 4 feet और ये कैनवास में एक्रेलिक पेंटिंग मैंने किया। मेरा नाम रबीन बार, ऐसे लोगों ने प्यार से मुझे स्पीड पेंटर रबीन बार बोल के स्वीकृति दिया है। और मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग का फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मेरा जो पेंटिंग का तरीका और पेंटिंग का जो स्टाइल है, स्टाइल मीन्स बचपन से मेरा एज वेल जो इंजीनियर पेंटिंग जैसे करते हैं तो ऐसे तो शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप करके मैंने इसको पेंटिंग कम एंटरटेनिंग, लोगों को पेंटिंग के द्वारा उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसको निकालने के लिए स्पेशली बच्चों को मैं ज़्यादातर मोटिवेट करता हूँ। और उन लोग का अंदर जो डर है पेंटिंग का या ड्राइंग का बारे में, तो उन लोग को धीरे धीरे मैं मेरा जो बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट ऑलरेडी मैंने किया तो उसको द्वारा उन लोग को मन से या उन लोग साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम करके उन लोग को धीरे 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 इस लाइन पे पेंटिंग का जगत में उन लोग को लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। और ये आज से नहीं है, ऑलमोस्ट 30 years कंटिन्यू मैंने ये कर रहा हूँ। अभी सर क्या क्या पेंटिंग बनाए हैं, कहाँ कहाँ किया है, क्या बताएंगे? बेसिकली एज ए स्पीड पेंटर हिसाब से मुझे जो मेरा काम वो नॉर्मली रेगुलर जो पेंटिंग होते हैं वो तो ऐसे करते रहता हूँ, बहुत सारे एग्जीबिशन में ऑलरेडी मैंने किया। लास्ट अभी रिसेंट जहांगीर आर्ट गैलरी जो प्रेस्टीजियस आर्ट गैलरी इन मुंबई जहांगीर आर्ट गैलरी में मैं सोलो एग्जीबिशन भी किया। लेकिन सबसे अहम बात है पेंटिंग को फर्स्ट टाइम मैंने जो एक मोटिवेशनल तरफ से बच्चों को या आम जनता को इसको
उनका पास ले जाने के लिए मैंने बहुत सारे तरीक़े से इसका मतलब डिस्कवर किया और इसका कंटिन्यू उस हिसाब से करता हूँ। जैसे मैंने बचपन से मेरा दोनों हाथ और पैर सेमेंटेनाइजली चलते हैं, जैसे आप मान लीजिए बाएं हाथ से भी मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, दाहिने हाथ से भी, और एक साथ दोनों हाथ और पैर से, जो ऑलरेडी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है, दोनों हाथ और पैर से तीनों अलग अलग पेंटिंग मैंने बनाया और वो भी 3 मिनट में। ये फर्स्ट 2007 में मैंने परफॉर्म किया ऑन GTV में, GTV चैनल में, ये शब्बास इंडिया बोल के एक शो हुआ था, उसमें ये प्रदर्शन मैंने किया। उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी सारी रियलिटी शो में, जैसे सोनी TV, GTV, कलर्स TV, ETV, मराठी, बंगाली एंड अदर्स, बहुत सारे रीजनल चैनल में भी इसका मैंने किया। और एक हो गया सिग्नेचर पेंटिंग। सिग्नेचर पेंटिंग काफ़ी वर्तमान समय पे लोगों का पास इसका असर पड़ा। और सिग्नेचर मीन्स जैसे अभी रिसेंट जो क्रिकेटर लोगों को, उनका सिग्नेचर से मैंने तुरंत, नॉट ओनली क्रिकेटर, कई भी पर्सन का जो उनका सिग्नेचर होता है, वो तुरंत मुझे आइडिया आ जाता है जो आपका सिग्नेचर से क्या बनने वाला है और उसमें क्या छुपा हुआ है। मैं भी फिगरेटिव और अदर्स बहुत सारे ड्राइंग का उसमें छुपा रहते हैं, जो मेरे लिए, मुझे मानना है जो आपका सिग्नेचर वो 50% ड्राइंग मेरे लिए हो जाते हैं। और काफ़ी सारी लाइन उसमें ऐड करके एक ब्यूटीफुल ड्राइंग में तुरंत बना देता हूँ। और ये कॉर्पोरेट लेवल पे ज़्यादातर चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे इवेंट पे ये इसका हमने करते रहता हूँ। और एक दिन में आप मान लीजिए 700 तक, 100 से लेके कभी कभी 700 तक वन डे मैंने परफॉर्म किया इसका सिग्नेचर बनने। और इसके बाद जो आप लोग देखा होंगे जो रियलिटी शो सोनी TV में मैंने परफॉर्म किया, वो आग से पेंटिंग बनाया, आग से जलते हुआ, आग से उसका जो आंगर, उसका आंगर हम उसको बोर्ड पे दोनों हाथ से उसको गणपति जी का पेंटिंग बनाया। और उसके बाद काफ़ी सारी रियलिटी शो इवेंट पे भी ये मैंने शो किया। इसके बाद मैं स्टैचू बनाता हूँ, जैसे किसी का चेहरा बनाना है, कोई भगवान का मूर्ति बनाना है, या किसी का पेरेंट्स का, माँ और उनका पिताजी का अगर फोटो बनाना है, तो फिर वो भी ऐसे स्कल्पचर में करता हूँ। और अभी रिसेंट एक बड़ा स्कल्पचर मैंने बनाया, वो ये डिब्रूगढ़ में है आसाम के, उसमें 40 फीट लेंथ और उसका ब्रेथ 37 फीट, जो बहुत बड़ा है ये, मतलब इसमें अहम बात ये जो वेस्टेज मटेरियल्स हैं, जो कुछ भी चीज़ हम लोग फेंक देते हैं, चाहे बटल हो या बहुत सारे जंग स्कल्पचर जो सामान है, मतलब ये स्टील हो, आयरन हो, या अदर्स बहुत मेटल हो, ये सारे के सारे सामान मतलब इकट्ठा करके एक आदमन इब का स्टैचू बनाया, जो काफ़ी चर्चे में आए और लोगों का भी पसंद है। और ये हो गया पेंटिंग एंड स्कल्पचर। उसके बाद फिर मैंने स्पीड पेंटिंग करता हूँ, जैसे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं ऑलरेडी 1 मिनट में एक बड़ा पेंटिंग बनाया और 3 मिनट में 30 पेंटिंग बनाया, 3 मिनट में 30 ड्राइंग मैंने बनाया। और इसके बाद अपना जो ग्लिटर पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट है, किसी का चेहरा का उल्टा करके बनाना है, तो तुरंत आपको जैसे सामने रख के मैंने उल्टा करके बना सकता, रिवर्स पेंटिंग बोलते हैं। और ग्लिटर पेंटिंग, या इसके बाद आपका सबसे जो लास्ट ईयर या इसका आगे भी काफ़ी वायरल हुआ था, जो लचित का मैंने सैंड आर्ट किया था, यह सैंड एनिमेशन, बालू से मतलब सैंड से रेत पे हम काफ़ी उसका मूवमेंट करके उसको विथ म्यूजिक देके हमने उसको स्टोरी बनाया, इसका सैंड आर्ट भी करता हूँ। इस हिसाब से लोगों का पास पेंटिंग का द्वारा एक एंटरटेनिंग कम मतलब लर्निंग एक प्रोसेस मैंने बनाया। और एक मेरा शो चलता है, जो आपको आप शायद यहाँ पे आगे रहेंगे तो फिर सुना होंगे, जो मिराकुलस ड्राइंग शो। ये ड्राइंग शो नॉनस्टॉप 3 आवर्स मैंने ऑन स्टेज पेंटिंग करता हूँ, और इसमें मेरा साथ पूरा टीम रहता है, जिसमें उन टीम मुझे हेल्प करते हैं, और ये वन काइंड ऑफ थिएटर,
जैसे आप थिएटर देखेंगे तो फिर इसमें वो सारी चीज़ करता हूँ, फायर पेंटिंग, आग से जो सैंड आर्ट एंड अदर्स, लॉट ऑफ जितना सारे पेंटिंग का मैंने ऑलरेडी आपका अभी अभी बताया, तो ये सारे ऑन स्टेज ऑडिटोरियम में इसको विथ म्यूजिक, विथ सॉन्ग, विथ डांस, विथ पोएम, ये सारे के सारे जुगलबंदी या फ्यूजन हम करते हैं। और सर यहाँ पे आपके यहाँ पे देखा कि हाँ बेसिकली ये जो ऑनरेबल सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, उनका एक तस्वीर मैंने बनाया जो ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, उनका ये चेहरा का अंदर मैंने ऑलरेडी 3000 उनका ही चित्र बनाया है। उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके जो कोविड का टाइम में उन्होंने काम किया था, उनका आधार पे मुझे उनका ये सारे फोटोग्राफ मैंने कलेक्ट किया और उसमें एक एक करके दोनों साइड अलग अलग कर उनका फेस में बीच में एक लाइन और दोनों तरफ में एक रात और एक दिन का सम्मान करके उसमें हमने ये पेंटिंग बनाया और ये ऑलरेडी काफ़ी चर्चा में आया है। और फीचर के बारे में बताना चाहेंगे आपका? अभी रिसेंट जो एग्जीबिशन इंडिया में काफ़ी सारी एग्जीबिशन किया और अभी 15 अप्रैल से 19 अप्रैल इंडोनेशिया बालू में जो केंद्र आर्ट गैलरी है उसमें मेरा एग्जीबिशन होने वाला है और मेरा साथ जो मेरा सराहदार मेरा साथ रहे थे अरुण टुलावकर, उन्होंने भी साथ में जा रहे हैं, उनका भी पेंटिंग उधर सिलेक्शन हुआ है। बस सर क्या बताना चाहेंगे न्यू जनरेशन को, क्या कैसे दिखते हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। मैं हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ, जैसे आप देखे होंगे जो मेरा ऑलमोस्ट 3000 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट है, जिनको जिन लोगों को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ नया कुछ उन लोग का जो पढ़ाई के ऑब्जेक्ट्स में, मतलब जब उन लोग पढ़ाई का बात बहुत सारे स्टूडेंट का या पेरेंट्स का ये ऐसे अब फ़ोन आते हैं जो उनका बच्चा मतलब मोबाइल गेम पे बिजी हो जाता है, उन लोग को अदर्स मतलब ऐप्स में बिजी हो जाते हैं, तो इसी टाइम पे पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है जो बच्चों को और न्यू जनरेशन को इस पेंटिंग द्वारा, ड्राइंग द्वारा उन लोग का मन में जो बहुत भाव होता है, जो आवेग और बहुत सारे क्रिएटिव जो थीम होते हैं, वो थीम को मतलब निकालने के लिए पेंटिंग एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और मैं न्यू जनरेशन के चैनल द्वारा यही करना चाहता हूँ, जो आप कभी जो आपका ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन जो स्ट्रगल आते हैं उसमें नौकरी हो या आपका प्रोफेशन हो, मतलब उसको लेके आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि पेंटिंग ऐसा एक चीज़ है, आप अगर ध्यान से इसको प्यार से और इसका साधना से आप अगर करेंगे तो ज़रूर आपका ये पेंटिंग आपको लेके बहुत दूर तक आपको ले जा सकते हैं और इस पेंटिंग द्वारा आप आपका ज़िंदगी में इसको प्रोफेशनली लेके आगे आप बढ़ सकते हैं। और मैं जो अपकमिंग जो बच्चा है उन लोग को भी यही करना चाहता हूँ, जो पेंटिंग का साथ जुड़े रहने से उनका जो बौद्धिक और मौलिक जो विकास होते हैं वो भी तो होंगे और साथ में अदर्स जो मोबाइल एंड अदर्स ये दुनिया का आजकल ऑनलाइन का जो बहुत सारे प्रॉब्लम आता है पेरेंट्स का, वो भी बहुत रिमूव होगा इस पेंटिंग द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आने वाले न्यू जनरेशन जो लोग मतलब ये कम कर रहे हैं और इसमें आ रहे हैं, उन लोग को भी मैं मेरा तरफ से इनवाइट कर रहा हूँ, जो आप लोग ब्रश, पेन, कलम, पेंसिल, कहीं भी चीज़ आपका साथ में है तो उसको उठाए और सामने जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसको बनाने के लिए कोशिश कीजिए, तो धीरे 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 आपका मन प्रभावित हो गए और इस क्रिएटिव वर्ल्ड में आपका मन जब आएंगे तो दुनिया कुछ आपका तरफ से देखेंगे और फिर लोगों के पास आपका क्रिएटिविटी का द्वारा आपका पहचान होगा, साथ का साथ आपका पेरेंट्स का और ये स्टेट का और ये देश का भी सुनाम आएगा।